अभी मेरे को सूचना मिली है कि यहाँ पर एक सांप है और काफी लोग यहाँ पर इस सांप को ध्यान दे रहे हैं, जो कि मेरे द्वारा पहले बताया जाता है कि सांप का ध्यान रखें ताकि जब हम आए तो सांप को ढूंढने परेशानी ना हो और ना ही वो किसी का नुकसान करे, ना ही किसी इंसान का नुकसान हो। अब इसको पकड़ कर इसके प्रकृति में छोड़ दिया जाएगा। पहले ठीक था, यूट्यूब पे डालनी है उसको, सब्सक्राइब करेंगे। ना ना। अगले वाले गमले में पतला है, चाहे मोटा है, पतला है तो सांप होता है। घोड़ा पछाड़ी भी है क्या? अरे बाप रे, सीधा हाथ में पकड़ लिया। तो पकड़ लिया था, ग्लव्स भी पकड़ लिया सीधा उसने। पीछे से बनाना पूरी ये चिट्ठी शिकारी सांप है और इसके द्वारा भी बताया गया मेंढक खा रखा है, पेट में मेंढक है। अभी देखिए इसको ये कैसे काट रहा है, इसमें जहर तो नहीं होता, अगर काटता है तो एक बार को अस्पताल तो आपको जाना पड़ेगा। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। रंगोज जी का ये देखिए कितने अब ये देखिए ये कैसे कर रहा है। अब इसको इसके प्राकृतिक वाले छोड़ दिया जाएगा। नोटियाल जी का धन्यवाद जिन्होंने मुझे फोन करके बताया, अगर मार भी सकते थे नहीं मारा। गोकुल धाम में निकला ही। ये देखिए धन्यवाद, ये गोकुल धाम है तो यहाँ सांप ही सांप निकल रहे हैं। कृष्ण भगवान जी की भूमि है ये और सांपों की भूमि है ये। कोरोना काल चल रहा है, जिम्मेदारी बड़ी है हमारी, समाज में सेवा करने का एक लक्ष्य रहता है कि किसी को परेशानी हो किसी भी तरह से। अभी हमारे द्वारा जल संस्थान में बैठ कर धरने जा रहा था, तभी हमें सूचना मिली कि एक छोटा सांप का बच्चा किसी के घर के बाहर बैठ गया आकर और इसके द्वारा शिकार किया गया था, मेंढक खा रखा था इसने, इसको इसके प्राकृतिक वास में छोड़ा जा रहा है। अभी देखिए सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, खतरा हो सकता है। आप इसकी सूचना 108 पर दें, वन विभाग को दें या हमें दें। इस समय गर्मी होने के कारण सांप घर में घुस रहे हैं, चूहे और मेंढक भी इस टाइम घर में रहते हैं, इनकी शिकार के लिए सांप आपके घर में घुस सकता है। आप सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।